الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह पाक कारी साहब की उम्र अमल में रोज़ी रिज़्क में खैर व बरकत फरमाए, आसानियाँ फरमाए। तो अब मेरे ख्याल में सारे पढ़े लिखे अब आप मौजूद हैं, इसके तर्जमे करने की ज़रूरत इतनी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीले की बात वसीले की कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरा में फरमा दिया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही। ऐ मेरे हबीब, तू अपनी ज़बान अक़दस मुक़द्दस से कह दे कि अल्लाह एक है। अल्लाह पाक ने प्यारे आका की ज़बान से कहलवाया, ऐ नबी तू कह दे कि अल्लाह एक है। भाई आप मेरी एक बात को जितने भी उलमाए दीन बैठे माजर के साथ मुझे जो मर्जी कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे काफर कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, खुदा की कसम कोई परवाह नहीं जी। आप पढ़ते रहे हजार मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। झटका ऐसा लगाऊंगा आप घूम जाएंगे जी। पहले ये तो सोचे कि काफर कहते किसे हैं, काफर की तारीफ तो पढ़ ले। इलामा इकबाल जिसके ऊपर कुफर के फतवे भी एक वक्त उलमाए दीन ने लगाए थे, आज उलमाए दीन इलामा इकबाल के एक शेर के बगैर अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं कर सकते। वो सूफी था और बगैर दाढ़ी के सूफी था, और मियाँ शरकपुर शरीफ वाले मियाँ शेर मोहम्मद शाह साहब इश्क में डूबी हुई हस्ती, हस्ती रसूल खुदा के पक्के गुलाम, पहली साफ में किसी दाढ़ी मोहन को वो खड़ा नहीं होने देते थे, खुद भगा देते थे, ओए सुन्नत के तारक को भाग जाओ। तो अब मेरे जो हल्के में बंदा है क्लीन शेव करता है, यहूदियों वाली शक्ल बनाई हुई, खुदा के लिए हजूर की सुन्नत रख लें वर्दी मिल जाएगी, इसी में हजूर शफात फरमा देंगे। आज से मैं क्या अपने किसी मुरीद को क्लीन शेप ना देखूं, भले मुझे छोड़ना चाहता है छोड़ जाए, हजूर की सुन्नत के लिए छोड़ना चाहता है छोड़ जाए, मुझे ऐसे मुरीद की कतन जरूरत नहीं। जिन्होंने सुन्नत मुबारक नहीं रखी आइंदा साल उनके देड़े दाढ़ी मुबारक हो, सुन्नत मुबारक होनी चाहिए भाई जी। अब हमारी बातें फजर तक भी करते रहे तो यहाँ कोई उकताने वाला नहीं, हमें किसी से गर्व नहीं जी। डॉक्टर साहब भी आए तो रात पूरी इनसे ली, कोल वाला पढ़ा था और फिर इतने वजीफा एक हजार बारी पढ़ा के तो मुझे फायद भी दस है, सवेरे अमल ना चले थे सरवर शबाब ने नीवी जगह से बाल आवाज। और पढ़ तो सही यार, मुर्दे तेरे को कुरान पढ़ा ही नहीं गया, एक बार भी पढ़ ले मैं ना यार। डॉक्टर साहब माजर के साथ आप इधर तशरीफ लाए, अमलियात की दुनिया में जी मुझे फख्र है, इन पे भी फख्र है और अब आप पे भी फख्र है। कारिये कुरान और हदीस के मौजूद बैठे, मुझे किसी हदीस में दिखा दे किसी साहबा ने सवा लाख का चिल्ला काटा हो, हम सवा लाख के चिल्ले के लौटे। कोई दिखा दे जी सवा लाख का चिल्ला काटा है जी, से हम क्यों कटवाते हैं फिर। तो इस तरह तो अब फतवा तो हम पे भी कोई नहीं लगाता, लगाएगा तो हम जवाब भी देंगे, फतवे का हल भी हमारे पास है, इतना भी आसान नहीं भाई। ना साहबा ने चिल्ला काटा है, ना औलिया, ना ही अंबिया ने चिल्ले काटे जी। तो जब आप पूछेंगे तो अंबिया के चिल्ले भी हम बता देंगे,
किस नबी ने कितनी देर चिल्ला काटा और कितनी मरतबा पढ़ा है जी, वो भी कुरान से सबूत देंगे। हदीस तो पैरे आकर के जब कुरान से मिल जाए जी तो फिर आगे जाने की भी जरूरत नहीं, वो तो अमल हमने करना ही है ना। आका ने फरमा दिया कि अल्लाह एक है, हमने मान लिया अल्लाह एक है, बस अल्लाह के नबी की बात को मिन्नो अन मान लेना ही मोमन की पहचान है। शको शुबा नहीं करना, सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, सोचेंगे तो मर जाएंगे। याद रखना जी, सब बाबे वाली बात मेरे जहन से निकल गई, मुझे इतनी मेहनत करके फिर लाशौर पे फिर वापस आना पड़ा 70 साल बाबा जी, इतनी उम्र, आप सारी उम्र इबादत करते रहें, अमल करते रहें, जन्नत क्या, जन्नत के करीब भी नहीं जाएंगे। और ये बात कुरान से साबित करूंगा, ये इस बात को आपने याद रखना, बात मेरे जहन से निकल गई थी जी, आपने याद रखना जी के सारी उम्र बंदा 500 साल इबादत करता रहा हो और अपनी इबादत पे फख्र करे कि मैंने सजदी के कुरान पढ़ा, सारा कुछ किया है, मुझे जन्नत मिल जाएगी सिर्फ अमल करने से, तो उसे एक लम्हा भी नहीं लगेगा और जन्नत से कहीं दूर चला जाएगा। वो मैं राज बताऊंगा आपको, बताऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान की जबान में, जो खुद अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह का नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर यानी वही इलाही के बगैर कलाम ही नहीं फरमाता। कुल हुवल्लाह, कह दो कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाह आहद, अल्लाह एक है। अल्लाह समद जी, अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज, उसे कोई गर्ज़ो गैत नहीं, हमें से बंदा नियाज कोई गर्ज़ो गैत नहीं। आप तहज्जुद पढ़ें ना पढ़ें उसकी किबरियाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहें जी मैं इबादत कर लूं, अबलीस से ज्यादा इबादत किसी ने की नहीं की और मुझे जन्नत मिल जाए, आपके इबादत की कतन जरूरत नहीं अल्लाह को, हमें जरूरत है अल्लाह के आगे झुकने के लिए, सर झुकाने के लिए हमें जरूरत है भाई, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, हमें जरूरत है, हम अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं, जन्नत के असूल कर रहे हैं, एक नमाज पढ़ते 500 दुआएं मांग लेते हैं, कारोबार में भी फलां भी फलां भी, सारी कर्जे तो हमारे पास है, तो हमें जरूरत होती, हम मांगते, हम तो मांगने वाले, वो देने वाले, अता करने वाले। मुझे एक सूरत फातिहा दे दे और सुबह से सुबह तक मुझसे सुनते रहे, मैं अल्लाह से तौबा करके अल्लाह पाक की दरगाह में सजदा रे को होके आजी से अर्ज करता हूँ कि मैं सुबह तक एक सूरत फातिहा पे एक ऐत पे भी मुझे बुलाएं, मैं मुझे कोई दावा नहीं, मैं एक फकीर हूँ, मैं उलमाए दीन का कदमों की खाक हूँ, मुझे जो फैज़ मिला है ये इसे इल्मे लुदनी कहते हैं, इसे फैज़ो बरकात हज़ूर गौंस पाक का फैज़ कहते हैं, इसे ही अल्लाह के वलियों का फैज़ कहते हैं, मैं आप गुलाम हूँ अल्लाह के वलियों का। जब भी कहेंगे वक़्त हो, खुलफा की मीटिंग रखी जी साल में एक मरतबा, तो उसमें जितना आप सुनना चाहें जी, मैं इस इतराफ़ के साथ कि मैं दोबारा से कुरान पाक किरत के साथ कारी साहब से पढ़ रहा हूँ, मेरे खलीफा हैं, मुरीद हैं, मुझे इसमें बताने में कोई मजायका नहीं, मैं किरत इनसे सीख लाऊं। तो किरत सीखनी चाहिए, आप बूढ़े भी होंगे, 70 साल के बाबे हैं। तो एक मेरा ऐसा दोस्त था कि एक मरतबा मैंने इधर कुछ रियाजत करवाई तो अतल कुर्सी पड़ी, तो उसे अतल कुर्सी याद नहीं थी, मुझे बड़ी परेशानी हुई, फिर अब इंशाल्लाह मैं उस दोस्त को और बाकी को, अब मैंने कल परसों भी ये बात हुई भाई आपको नमाज अच्छे तरीके से कारी साहब को सुनानी चाहिए जी, आपकी नमाज दुरुस्त होगी, यकीनन दुरुस्त होगी, लेकिन कारी साहब को सुनाने में कोई मजायका नहीं, खुदा न खास्ता कहीं गलती होगी, नमाज जनाजा की दुआएं आनी चाहिए आपको, दुआएं कनूत आनी चाहिए, वितरों में पढ़ी जाती, ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें, आपने ताजा जंगरी रखा पीर आप बन गए, लेकिन तीन
इतना पीर को आना चाहिए कि अपने मुरीदों को वो बता सके जी, इतना सीखना चाहिए सबको। और आइंदा नशिस्त में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कलमा एक दूसरे को आप एक एक दो दो सुनाएंगे, ये आपकी तरबियत का हिस्सा है। सुनाएंगे, कहीं गलती हो तो वो दुरुस्त हो जाएगी जी, कोई मजायका नहीं। हजरत अली करमुल्लाह ताला का कौल है कि माँ की गोद से कब्र की ओर तक इलम सीखो दीन का जी, अदीज। ठीक है, बात लंबी होगी, सूरत इखलास की मजीद तशरीह या तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ें, तर्जमा पढ़ें और इस पर गौर करें। और जो सूरत फाजा के बारे में बताया था कि आप पढ़ें और उस पर गौर करें, दावते फिक्र दे रहा हूँ, जब आप गौर करेंगे तो आप इंशाल्लाह मुझे आके बताएंगे और आपको कई फ्यूज़ो बरकात मिल चुके होंगे, सिर्फ आपको याद ही नहीं होगी, आप काफ़ी कुछ हासिल कर चुके होंगे जी। बात हो रही थी कि वसीला तलाश करो, दुनिया में इंसान कमाने के लिए आया है, क्या कमाने के लिए? ईमान और अमाल, इसकी कमाई है जिसे आखिरत में भेजना है जी। राह में डाकू भी हैं, इस दुनिया में ईमान और अमाल की कमाई के लिए जो आखिरत के लिए हमने इकट्ठी करनी है, इस राह में डाकू मौजूद हैं और हम डाकुओं के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो हमारे दोस्त बन जाते हैं और हम उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत करने लग जाते हैं जी। वो डाकू क्या हैं? इस राह में नफ्स और शैतान डकैती करते हैं और हम नफ्स और शैतान की बात मानना शुरू कर देते हैं। पीर साहब सर को दर्द हो जाए, साल भर दुआएं करता रहे, यहाँ से आप निकलते हैं फिर आगे शैतान की बात पर लग जाते, नफ्स वसवसा डाल देता है, फिर पीर की बात को भूल जाते। भाई आप जितनी मर्तबा बोलेंगे हमने तो वही बताना है जी। और ये क्या है? ये कीमती सामान है हमारे पास, क्या? ईमान, हमारे अमाल, पीर मुर्शिद का बतावा सबक सारा, ये कीमती सामान है और हमारी जिंदगी से भी ये कीमती है, इसी से जिंदगी की हिफाजत है जी। और महाफिजीन की जमात जो है, जो आपके इस सारे सामान की जो बैग आपने बांधा हुआ है, जो सफर करते हैं उसके हिफाजत के लिए भी अल्लाह पाक ने एक महाफिजीन की जमात यहां रखी हुई है। और वो जमात जो है ना, महाफिजीन की जमात जो है, वो आपकी जिंदगी का बीमा भी करती है, जैसे लाइफ स्टेट लाइफ वाले सारे हैं ना। और वो जमात कौन सी है? वो औलिया अल्लाह की जमात है भाई, जो बीमा कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है। आपका माल महफूज हो जाता है, कब होता है? जब मशायखे तरीकत की निगाह करम होती है तो तब इंशाल्लाह ईमान महफूज हो जाता है। नफ्स इंसान को हर वक्त बुराई पे उकसाता रहता है, हमा वक्त। और फिर क्या होता है? उसके गले में जब किसी शेख की निस्बत का पटा डाल जाए, ये पटा हमारे पीर मुर्शिद में, हमारे गले में गौसिया, चिश्तिया, कादरिया, कलंदरिया, बुरलाया, मोनेमिया, सारी निस्बतों का ये पटा डाल दिया जी, ये। और हमने अपने मुर्शिद की निस्बत आगे आपको बख्श दी जी, वो पटा डालो जी। नफ्स जब बुराई की तरफ उकसाता है तो उसके गले में शेख की निस्बत वाला पटा डाल दो ताकि मारा ना जाए। इतात वली जो है वो नफ्स का पटा है। अगर वली अल्लाह की इतात करेंगे, साले बुजुर्ग की इतात करेंगे, वली का मैं ना अल्लाह का दोस्त, जो अल्लाह का दोस्त बन जाए, जिसके अल्लाह से दोस्ती लग जाए जी। और वो जो पटा है, किसी अल्लाह के वली की इतात आपने कर ली, निस्बत हासिल कर ली, पटा डाल लिया जी, और वो काफी नहीं है, अभी भी काफी नहीं है। गौर फरमाएं, अभी भी काफी नहीं है।
फिर जो पीरो मुर्शिद की निस्बत का शजरा शरीफ है, जिसे शजरा शरीफ कहते हैं, यानी आपके पीरो मुर्शिद, उनके पीरो मुर्शिद, उनके पीरो मुर्शिद, मुर्शिद बा मुर्शिद, हजूर गौस पाक चला गया, बाबा फरीदुद्दीन तक चला गया, कादरी चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, जुनेद बगदादी, जितने भी बुजुर्ग मरूफ कर गए, तमाम सलासल की बात कर रहा हूँ, एक की नहीं जी। तो फिर हजरत अली करमल्लाहु वजह ताला तक गया, फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गया, शजरा, शजरा शरीफ। और तसव्वुफ में शजरे को कहते हैं उस पटे की जंजीर, जब जंजीर नहीं होगी, निस्बत तो है, पटा भी डाल लिया, आपको शजरा याद नहीं। अब मेरे जितने खुलफा बैठे हैं अक्सर को शजरा याद नहीं जबानी, मुझे पता है किस किस को याद नहीं है, किस किस को याद है, दिल में सारे सोच लें, मैं इस बात को जानता हूं किसे याद है और किसे नहीं याद। ये जंजीर है मेरे मोहतरम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलाने वाली हस्ती। शजरा आपको याद होना चाहिए, रोजाना पढ़े, किसी लंबे चौड़े वजीफों की जरूरत नहीं है। उस्ताद और आमलीन मौजूद हैं, वजीफे अपनी जगह पे, इनकी अहमियत अपनी जगह जी। और इस जो जंजीर है, इसकी पहली कड़ी जो है ना, वो नफ्स के गले में, और आखिरी कड़ी प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में है। अब आपकी निस्बत कायम है, आप उस पे कायम हैं जी, तो फिर जंजीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, आप दाएं बाएं भटक नहीं सकते। आपको इस बात पे यकीन कामल होना चाहिए कि हजूर नबी करीम मुर्शिद बा मुर्शिद, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हमारी जंजीर है, और प्यारे आका हमारी निगरानी फरमा रहे हैं। तो फिर यार गुनाह और नफ्स की सारी बातें और गुमराही कहाँ गई भाई, हम मानते हैं फिर, हमारा यकीन कामल नहीं है, हमें अकल नहीं आ रही। इतना सोच ले कि हर वक्त हमें अल्लाह पाक की जात देख रही है बस, तो फिर आप कभी करीब भी नहीं जाएंगे जी। अगर ये पटा और जंजीर कायम रहा, मुरीद होने के बाद, निस्बत हासिल होने के बाद ये कायम रहे मरते दम तक, मुर्शिद का दर हो और मेरा सर हो जी, मुर्शिद का दर हो और मेरा सर हो, और मेरी ख्वाहिश हो के पीर खाने पे मैं मरूं, तो बस फिर बात तो खत्म होगी ना। महाफज पास हो तो डकैती की क्या जरूरत है, आपके बैग रखे हुए हैं, मोबाइल हर चीज जिधर पड़ी है पीर खाने में पड़े हैं ना, तो आपको अब फिक्र किस चीज की। तो आप जहां कहीं भी हो वहां भी पीर को साथ समझे तो फिक्र किस बात की जी भाई। एक नारा लगा दें कोई बोर ना हो गया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अगर ये पटा और जंजीर कायम रहा तो इंशाल्लाह नफ्स बैक नहीं सकता। अगली तीन लाइनें हैं मेरे पास लिखी हुई, ये बाद में सुनाऊंगा। लाला जी थोड़ा जाग जाए, थोड़ा उठ जाए, खड़े हो जाए, उठ जाए, जैसे भी जाग जाए, जितने बाप भी अगर नींद से उतार है वक्त मुझे बता दे कितना हुआ, 2 बज गए बस, वक्त करीब है। मैं ये सारी बात लंबी भी मैंने वक्त गुजारने के लिए की, और हाँ 70 साल वही बात करनी है, उसके बाद ये तीन लेने पड़ूंगा। मैंने कहा है कि 70 साल 700 साल इबादत करते रहे और आप समझे कि मुझे जन्नत मिल जाएगी और फलां कुछ हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये अर्शाद भी फरमा दिया है कि कोई बंदा दुनिया में एक
रत्ती भर भी अमल करेगा तो उससे उसका अजर मिलेगा। मैंने अर्ज की कि फकीर कुरान और हदीस से हट के कभी बात नहीं करता। अमल आप करेंगे रत्ती भर, अल्लाह आदल है, वहां बेइंसाफी नहीं होती। बाल बराबर भी अमल करेंगे तो उसका अजर जरूर मिलना है। लेकिन 70 साल बाबे की इबादत रायगां चली जाए जी, थोड़े सीधे होके बैठे भाई, पीछे जो सो रहे हैं थोड़ा आगे करीब करीब आए, बात खास करने वाला हूँ, सोने वाले हजरात आगे आ जाए, जगह दे करीब करीब आ जाए और करीब। और मैंने ये मैक रख देना जो बात करनी सिर्फ आपको सुनानी, किसी को नहीं सुनानी, और करीब आ जाए। अभी भी देख ले मुर्दे उधर हल रहे, खड़े होके करीब आ जाए और आ जाए। साधक साहब आ जाए, अल्लाह पाक तौफीक दे, डॉक्टर साहब और आगे आए और करीब आ जाए। अभी देखेंगे, मैं उठ के खड़ा करूंगा और एक एक थप्पड़ लगाऊंगा और करीब करूंगा, आप आएंगे, आ जाए शाबाश आए, और अभी आप 2 फुट और आगे आएंगे, अल्लाह के हुक्म से आएंगे, आओ। मलिक साहब आप फरमाते हैं गुस्सा ना क्या करे, गुस्सा भी करना है। हाँ, इसीलिए अल्लाह के वलियों के थप्पड़ जैसे लग जाए किस्मत वालों को लगते हैं, ऐसे नहीं लगाऊंगा। हाँ, जहाँ हजूर गौस पाक का हुक्म होगा वहां किसी अल्लाह के वली का हाथ लगेगा, ऐसे मुफ्त में नहीं लगता। हाँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती जी। मेहरबानी, शुक्रिया। आप हमारे मोहतर में जितने भी अहबाब आते हैं, आपका ये घर है, आपका आस्थान है, आपकी खिदमत के लिए हम सब करते हैं, आपको जगाने के लिए, सुस्ती खत्म करने के लिए बात की। तो अब बात जो हो रही थी हजरत साहब, वही बात, जब प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम की महफिल में होते थे और आप जब साहबा कराम से गुफ्तगू फरमाते थे, अब कारिये कुरान शेखुल हदीस साहबान हदीस पढ़ें, कुरान की आयत पढ़ें जी, मैं सारी चीज़ों का मफहूम बता रहा हूँ जी। जब साहबा कराम बैठते थे और इस तरह बैठते थे, आप कभी इस तरह कर रहे हैं, कभी इस तरह कर रहे हैं, कभी इधर हैं, कभी इधर हैं, तमाशा लगा रहे, नाच रहे हैं। मैंने घुंघरू मंगवाए हुए हैं, अभी पता चलेगा ना, आप इधर इधर तो नाचते तो घुंघरू बांध के नाचे ना। और मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर साहब को घुंघरू बना दूँ, अल्लाह पाक के हुक्म से नाचेंगे जी। तो आप ये भी पता चलना है ना, इश्क कितना है मुर्शद का, किसके पास कितना है, आज पता लगेगा जी। प्यारे आका जब अरशाद फरमाते थे तो साहबा कराम इस तरह बैठ जाते थे, हिस्सो हरकत नहीं करते, साकत होके, जैसे उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हों, खुदा ना खास्ता अगर वो थोड़े से हिले तो वो उड़ जाएंगे। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक्दस मुकद्दस में हमारे अकबर साहबे कबार जी, हजारों वली इकट्ठे हो जाए तो एक साबी का दर्जा नहीं पा सकते, वो साहबा कराम जिन्होंने हमें दीन पहुंचाया। इस तरह बादब बैठते थे, लकड़ी के गाड़ी दरख्त के पौधे की मानस समझ लें, जैसे भी समझ लें, कि जैसे थोड़ी सी हरकत भी की तो परिंदे सर पे बैठे हैं वो उड़ जाएंगे, इतने बादब बैठते थे। बात वही 70 साल इबादत या 700 वाला इबादत वाला नुकता अर्ज करना है जी। इतने बात बैठते थे, हम बुला रहे हैं और आप अगली बात नहीं करते, ये अदब का मुकाम था जी। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जी, वहां नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, खात्मुल मुरसलीन, खात्मुल अंबिया जी। वहाँ से साहबा कराम, साहबा कराम से औलिया अल्लाह, अहले बैत सारा सिलसिला, औलिया अल्लाह और बैत, जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अबूबकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली करमुल्लाह वजह ताला जी बैत लेते थे, हजूर के बाद बैत लेते थे और फिर वो वक्त के बादशाह होते थे जी। सबको बैत करनी पड़ती थी। अब खिलाफत का जमाना गया, मलूकियत का आ गया,
और वो सुन्नत ख़त्म हो गई। अब बादशाह वक़्त तो जो है ना असम्बली शराब को हलाल करार दे तो वो कानून पास हो जाएगा जी। तो कुरान ने फरमाया कि आप में से जो साहिब अमर हैं उनका हुक्म मानो। तो आम लोग साहिब अमर कहते हैं जी बादशाह वक़्त का हुक्म मानो, भाई मेरे ऐसा नहीं है। अल्लाह के सालेहीन जो साहिब अमर हैं नेक बंदे हैं उनका अमर मानना है, ये तो गैर शरी भी हुक्म पास कर देंगे। औलिया अल्लाह अल्लाह के नेक बंदों का सालेहीन का जैसे कारी साहब ने फरमाया सच्चों का साथ देना है उनका हुक्म मानना है जी। अब ये इतना है कि हिले भी तो इतना अदब था जी। और जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते थे वहाँ कोई साबी कदम नहीं रखता था जी। अब मेरे कितने खुलफा मेरे बराबर बैठे जी, अब मैं कहूँ सारे बेअदब हैं तो इस जिम्न में आते हैं जी। होना बात हकीकत की है तो मेरे मोहतरम में मेरे भाई हैं एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद याद ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं पीर नहीं हूँ, मैं तो फकीर हूँ मेरे मोहतरम, आपका खादम हूँ, आपकी खिदमत करता हूँ। इस वजह से करता हूँ, क्यों करता हूँ, आप में मुझ में ये और एक और बड़ी बात कहने लगा हूँ। मुझे पता नहीं क्या मेरा जहन चल रहा है लाशोर में या मैं जिसम मेरा इधर है रूह कहीं और है या कहीं और से कोई बुलवा रहा है मुझे नहीं पता। मैं इतनी लंबी तो बात करता ही नहीं मुख्तसर से जी। क्या बात हो रही थी वो बोल गया नहीं वो इससे और बात चलो जब याद आ गई तो बोल गई 70 साल बात वाली जी। हाँ इतना अदब था साहबा कराम में तो मैंने कहा कि जी मेरे साथ बैठे हैं तो बेअदबी के ज़िम्न में तो आ गए तो आपको इधर भी मतलब सारे खुलफा को चाहिए। मैं नहीं यहाँ सोफा डालना चाहता, मैं नहीं कुर्सी पे बैठना चाहता, आपके साथ ही बैठना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी गद्दियों में आपने देखा पीर साहब सोफे में बैठे होते हैं और बाकी सारे मुरीद नीचे बैठे होते हैं जी। तो जो पीर की नशिस्त होती है वहाँ बैठना बेअदबी है, पीर की नशिस्त हमेशा खाली छोड़ी जाती है यहाँ तक के पीर का वसाल हो जाए जहाँ वो बैठता है उस नशिस्त पे भी मुरीद नहीं बैठ सकता। ये तसव्वुफ़ का सबक ये। अगर एक ही नशिस्त है आप सारे सिलसिलों में चेक कर लें जी मुरीद नीचे बैठे पीर के बराबर नहीं, पीर चल रहा है चदर आ रही है या कोई भी पीर के साथ चल रहे हैं तो पीर से एक भी कदम आपका आगे चला गया तो बेअदबी में शामिल हो गया। साहबा कराम देख लें कभी प्यारे आका से आगे नहीं जाते थे। आप कभी ये ना सोच लें बिना पीर और प्यारे आका की जात बराबर होगी, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा। लेकिन शेखे तरीकत जो है नैब रसूल हैं उनकी बात को पैगाम को आगे पहुंचाने वाले हैं, इस निस्बत से पीर मुर्शिद की आप इज्जत करते हैं इत्राम करते हैं। हम मैं और आप हम सब हुजूर के गुलाम हैं इसी वजह से निस्बत का करते हैं। तो ये गद्दी थी अब ये मैंने मजबूर रखी, एक तो अब मैं बैठा हूं तो आप मुझसे उठा नहीं जाएगा, आप दो तीन लोग मुझे उठाएंगे। ये मेरे हिस्से ये जो है ना पाँव एक नशिस्त में बैठा हूँ और मुझे सुबह तक इसी नशिस्त में बैठाए रहेंगे बैठा रहूँगा। ये योगा के मुख्तलिफ आसन हैं आप उसमें बैठ सकते हैं और बुजुर्गान दीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुस्लिम सूफिया कराम ने भी योगा एक फन है, कोई इलम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हुआ करता, इस बात को जहन में रख लें।
दुनिया का कोई भी इलम, किसी इलम का कोई मजहब नहीं होता जी, किसी इलम का कोई मजहब नहीं होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई इलम का मजहब नहीं। मुस्लिम सूफिया किराम ने भी योगा की मशकों को अपनाया है, और मुझे अफसोस है मेरे खुलफा मुझसे पूछते नहीं। खलीफे बन गए, खिलाफतनामा मिल गया, और फिर चलो यार आगे कोई 10-20-40-50 मुरीद ही कर लेते, 40-50 बंदों को ही राय हक का सबक जो मैंने दिया था वो ही बता देते, वो भी नहीं आप बता रहे यार, और मुझसे भी कुछ नहीं पूछ रहे। मुझे यही काम खाया जा रहा है। आप जब आए तो आपके साथ आपके साथी हों, आपके अखलाक से यहाँ के सबक को आगे पहुँचाएं तो आपके अखलाक से आपके साथ साथी हों। बात वही आ रही थी अदब वाली। अब अगर बैठे बैठे साहबा कराम अगर उनके दिल के अंदर एक वसवसा भी आ गया, कोई तसव्वुर ख्याल भी आ गया प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी गुस्ताखी से मुतल्लक अगर तसव्वुर ख्याल भी आ गया, तो बस 70 साल 100 साल की इबादत रायगा चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुरान पाक फरमाता है तुझे पता भी नहीं चलेगा, खबर भी नहीं होगी, खुदा की कसम खबर भी नहीं पता मिलेगी तुझे, खबर तक नहीं होगी। और तू क्या फख्र करता है इतनी से बेअदबी। अब सारी बात से पता चला कि इश्क़े रसूल जरूरी है, हजूर का अदब जरूरी है, हजूर की गुलामी तब है जब हजूर ने जो फरमाया है उस पे अमल जरूरी है जी। बस और मुझे कुछ नहीं कहना जी। आप मान गए ना कि 70 साल नमाज पढ़ते रहे, सारा कुछ करते रहे, तो इतनी सी बात आ गई तो बस भाई मुर्शिद के बारे में जब आपने ऐद कर लिया है, ऐद किस वजह से किया है? ऐद अल्लाह से किया है, तौबा अल्लाह पाक से की है अपने गुनाहों से जी, अपने मुर्शिद करीम को गवाह बनाया है, तौबा अपने अल्लाह पाक से की है अल्लाह के दरबार से, ऐ अल्लाह यही हमने इकरार किया है ना कि हम मुझसे जो सबका दनिश्ता गैर दनिश्ता गुनाह सरजद हुए ऐ रब्बे करीम मैं उनसे तौबा करता हूं, और इस तौबा पे ऐ रब्बे करीम मुझे साबित कदम रखना। यही मफहूम है, यही बात है। तो मुर्शिद को आप गवाह बनाते हैं जी, तो आप इस पे इस्तकामत अल्लाह पाक बख्शे अमल नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर नए सिरे से तौबा करें, फिर तौबा करें, फिर अमल करें। 70 मरतबा भी तौबा करें तोड़े अल्लाह पाक की जात फिर भी गफुरुर रहीम है, राबता टूटा हुआ फिर जुड़ जाएगा, फिर तौबा करें फिर राबता जुड़ जाएगा। अल्लाह से राबता जोड़ने वाली बात ही करनी, मैं बार बार वही रिपीट भी कर रहा हूँ, अल्लाह से राबता जोड़ना है तो तौबा कर लें, और फिर कोशिश करें जाहिदू फी सबीलिल्लाह, फिर याद करें नफ्स नफ्स के साथ, और जिक्र अज़कार करें जी। औलिया अल्लाह के रस्ते इनाम याफ्ता बंदों के रस्ते पे चलना है तो इनाम याफ्ता बंदों की माननी है, इनाम याफ्ता बंदों ने हमें इस रस्ते पे लगाया ना, हमारा सर में क्या सौदा भरा हुआ है, 1.5-2 लाख रुपया हर साल खर्च करते हैं, और दामे दरमे सुखने जितने अबाब हैं लंगर में हिस्सा डालते हैं, अल्लाह पाक उन नेक साथियों की वजह से इसमें और बरकत डाल देता है, जो नहीं डालते उनके लिए इंतजामात हो जाते हैं। तो ये सारा गौसिया लंगर आप और मेरी कोशिशों से, या हम ड्यूटी कर रहे हैं जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने हजूर गौस पाक ने जितनी आपसे और मुझसे ड्यूटी लेनी हम ड्यूटी कर रहे हैं जी। आखिरी मिसरे 3 मिसरे में पढ़ रहा हूँ, बात मेरी मुकम्मल हो चुकी। नफ्स वाली बात थी, वसीले वाली बात थी, अब एक दुनियावी आखिरी मिसाल है। तकी साहब ट्रेन से आए हैं, साले मोहम्मद और अली अकबर शाह कराची से,
मिसाल इनकी दे रहा हूँ। और फरीद एक्सप्रेस बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर की निस्बत के नाम से यहाँ जो ट्रेन चलती फरीद एक्सप्रेस पे आए, अब उसमें कितने कमरे थे इन्हें नहीं पता, ये इन्हें अपने कमरे का पता है जिसका बर्थ सीट इन्होंने लिया था जी। अब आगे इंजन अच्छा लगा हुआ था जो खींच के लाया जी, इंजन मजबूत था जो कराची से 18 घंटों में इधर ले आए, और पीछे जितनी बोगियां थी इंजन ने ये नहीं देखा कितनी बोगियां, उसमें थर्ड क्लास वाले भी इनके साथ पहुंचे, ये एसी कमरों में आए ये भी पहुंच आए, और जिनके ऊपर डस्ट मट्टी पड़ रही थी मट्टी धूल थी थर्ड क्लास वाले वो भी पहुंच आए लाहौर तक, वो भी पहुंच गए, जेडे खड़े हो गए जिन्होंने सीट भी बुक नहीं करवाई थी वो भी पहुंच गए। अब इंजन नहीं देखता मेरे मोहतरम के मेरे पीछे थर्ड क्लास के डब्बे हैं सेकंड क्लास के डब्बे हैं इंटर है या माल है जी, वो अपनी ताकत के मुताबिक खींचता है जी और खींचता रहता है ले जाता है कहाँ मंजिल पे। लेकिन उसमें फिर एक शर्त है वसीला फिर है, ये देख ले अगर आप बैठ गए तो आप अपनी मर्जी से गाड़ी से छलांग लगा दें तो लात बाजू टूटेंगे, चोट भी आ सकती मुमकिन है आपकी मौत भी हो सकती। पीरो मुर्शिद की जब बैत कर ली तो आप अपने आप बैत छोड़ नहीं सकते खत्म नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। जब आपने इकरार कर लिया जो कश्ती में रहेगा तो मंजिल तक पहुंचेगा, जो कश्ती से उतर जाएगा रास्ते में डूब मरेगा जी। तो इंजन क्या करता है ले जाता है, आप गाड़ी में बैठ गए तब निस्बत डाल ली, लेकिन पता है शजरे वाली जंजीर उसे बोलना नहीं जी। अब आप गाड़ी में बैठ गए और उस कड़ी जंजीर को मजबूती से पकड़ ले थाम ले छोड़े नहीं, तो बस इसको यूं समझ लें कि जो है ना हमारा दीन इस्लाम ये एक रेलवे लाइन है जी, हमारा दीन इस्लाम एक रेलवे लाइन है और जो मुसलमान है वो रेलगाड़ी के मुख्तलिफ डिब्बे। अब उसमें एक और बात कह दो, इस बात में इसकी तरफ नहीं आपने जाना, हमारा दीन इस्लाम है। अब उसमें पानी दे दें भाई, आप इतनी तमीज आप लोगों को अभी भी नहीं आई, मैं कह रहा हूं तो फिर मैं क्या करूं, मैं कहूंगा कि आप अंधे बहरे लोग बैठे मेरे सामने। दीन इस्लाम है, अब उसमें मसालक है तो मसालक को आप डिब्बे समझ लें, कभी किसी से फकीर इख्तलाफ नहीं करता, इख्तलाफ वाली बात में अपने मुरीद के लिए मैं ना देखूं। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह, कोई आधे इधर रख के पड़े कोई इधर रख के पड़े कोई इधर रख के पड़े कोई ना इधर रखे इधर भी पड़े, अल्लाह के हुजूर झुका हुआ है, आप अपने तरीके से पड़े किसी पे अटैक नहीं करें ना दखल अंदाजी करें, फकीरों का ये काम नहीं। अब क्या है दीन इस्लाम एक रेलवे लाइन है, मुसलमान जो है वो गोया रेलगाड़ी के मुख्तलिफ डिब्बे डिब्बे मसालक है एक तरह से जी, और औलिया अल्लाह जो है इनकी मजबूत कड़ियां हैं जंजीरें हैं, एक डिब्बा जो दूसरे डिब्बे से इस तरह जुड़ा हुआ है ना वो औलिया अल्लाह की निस्बत की जंजीर से जुड़ा हुआ है, मेरी बात समझ रहे। और ये सारी की सारी कड़ियां हजूर पर नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वहां जाती हैं, वो सब के रब है, जितने भी मसालक हैं सब के रब प्यारे आका हैं। तो कभी इख्तलाफी बातें नहीं करनी, या ना यहां ना किसी और जगह पे, अगर ये सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ है तो फिर जरूर मेरे मोहतरम हम मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर कहीं जंजीरी टूट गई
कई नस्बत टूट गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बस आप जो है ना आप पढ़े तो मैंने आखिरी दुआ करानी तो वो मनाजात में आप थके हुए चाहें तो दो मिनट उठ बैठ सकते जैसे दिल जाए थकावट दूर कर ले और ये दुआ टाइम मुझे बता दें टाइम दस ये वो वक्त है जहाँ ट्रैक्टर लग जाती है लेकिन आपके पास रजिस्टर से होनी चाहिए ट्रैक्टर कुंडी अब लगेगी रजिस्टर सेम हो सेम होनी चाहिए तो ये रजिस्टर सेम आपके पास है इजाजत मिल गई ना रजिस्टर सेम है अब रابطہ करना है जी आपने निस्बत कर ली हमारी नहीं सतह ऊपर 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 तस्बी के एक दानों में से एक दाना मैं और आप भी हैं जी हाँ जी एक तो बोलिए और आगे इमाम प्यारे आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फिर सारी जंजीरें उनके आप तस्बी के दाने आप थोड़ी सी बात करेंगे तो ये आपने अगर कुछ चाहते हैं हाँ घूम कर लें कोई थक जाए तो कोई मजे करें तो आपने ये मेरे साथ पढ़ना है और जब मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा आप दिल में पढ़ें और तसव्वुर करें जितने अब आपने आपको दुआओं के लिए कहा है मुझे कहा है जितनी बीबियाँ बहनें बच्चे सब जितने भी जो आए थे चले गए उनके लिए भी जो बैठे उनके लिए भी जो घर से नहीं आ सके उनके लिए भी सब के लिए ये दुआ है हाँ हाँ जी एक मशवरा है ये आप सारों से मशवरा है सिलसिला तो ये चल रहा है आप सब दोस्तों के लिए बेहतरीन जिसमें बादाम पिस्ता चिलगोजा और मेवा जात भाई हर बाप कहता है मेरे बच्चे मोटे ताजे हो सही हो जी अकलमंद हो जी आला तलीम याफ्ता और इनाम याफ्ता बने तो ग्रीन टी आपके लिए तैयार करवाएगी हमेशा की तरह अगर आप थकावट महसूस करते हैं तो चाय पी लें या यही तो आप मांग के फिर तसल्ली से आप चाय पिए सोए बैठे जो निशेस्ता कमी हो ठीक हो बस नहीं कहें तो आप इसी से जो है ना जी एक फिक्रा आपने मेरे साथ दोहराना है बाकी फिक्र दिल में पढ़ने और सारा चीज़ों का तसव्वुर करना है अब इसके बाद मुझे कोई दुआ के लिए ना कहे हाँ दे दे कभी हजरत तो ये मेरे लिए ये दुआ कर दे ये कर दे ये कर दे सारे नियत कर ले सारी दुआएं इसी के अंदर हैं लेकिन शर्त की है आप सीधे हो जाए एक्टिव हो जाए जी और आंखें बंद कर ले आंखें बंद करके सब अपने आप को अल्लाह के हुजूर जाने जी इस यकीन कामल के साथ के अब वक्त दुआ वाला कबूल हो गया और वो सो गए एक मिसरा आप मेरे साथ दोहराएंगे दूसरा